कप चला हुआ, वर्ल्ड कप किस चीज का है, ये चुनावी वर्ल्ड कप है और बीजेपी ने अपने 10 के 10 प्रत्याशी हरियाणा में उतार दिए हैं। सोनीपत लोकसभा सीट की मैं बात करूँ तो आज मैं जुलाना में हूँ और जुलाना में आज मोहनलाल बड़ोली जो की बीजेपी के प्रत्याशी है उनके द्वारा आज कार्यालय का उद्घाटन कराया गया था। आज मात्रा से सत्ता में जुड़े हुए हैं संदीप कुमार, विधानसभा के संयोजक है, स्वागत है। कैसा मिजाज आपको हल्के का नजर आ रहा है? सबसे पहले तो आप सभी धन्यवाद करता हूँ। और रही बात लड़के की, तो हमारे यहाँ बहुत अच्छा मिजाज चल रहा है, मोदी जी की लहर है, 400 बार का नारा है। और पिछली बार हरियाणा में 10 की 10 सीटें जीती थी, उस बार भी हम आश्वस्त हैं कि 10 की 10 सीटें जीतेंगे। बस हमारा एक ही टारगेट है कि जो पिछली बार जो मार्जिन था उसको दुगुना कर, हमारा लक्ष्य ये रहे। किन किन मुद्दों पर आप लोगों को देख जा रहे हैं? देखिए, हमारा जुलाना की बात करें, मैं जुलाना विधानसभा संयोजक होने के नाते यहाँ पर सब जो उपमंडल बना है एसडीएम का बैठने की व्यवस्था की गई है। पहले यहाँ से जींद लगता है, लेकिन अब जुलाना को बनाया गया है। और सबसे ज्यादा ये फल्टेड एरिया था, पूरे हरियाणा के अंदर जुलाना फल्टेड एरिया था, डूब क्षेत्र माना जाता था। यहाँ पर सबसे ज्यादा भारतीय जनता पार्टी ने मोहनलाल जी के नेतृत्व में जो फल्ड एरिया में पाइपलाइन दबाई है, और पिछले 2-3 साल के अंदर भी किसानों की बहुत ज्यादा गेहूँ या जो धान खराब होती थी या कपास थी उसमें पानी निकलने से, डूब क्षेत्र बसने से बहुत ज्यादा लाभ हुआ है, बहुत अच्छी फसलें हुई हैं, लोगों में खुशहाली आई है। इसी से हमारा ये विश्वास है कि पिछली बार जो मार्जिन था उसको हम डबल लेंगे। 10 साल लगभग सरकार को हो गया और केंद्र से 10 साल में हरियाणा और केंद्र की सरकार को किस तरीके से आप देखिए? ऐसा है, यदि पिछले 10 साल की बात करते हैं तो आप जुलाना में खड़े हैं, इसके इस तरफ बिल्कुल 10 किलोमीटर के बाद रोहतक जिला लगता है। यहाँ पर कांग्रेस के पूर्व मुख्यमंत्री थे, उसने वो भी पहले 10 साल मुख्यमंत्री था, उसने सिर्फ विकास सिर्फ अपने ही जिले के अंदर किया था, उसने कोई भी आगे कोई विकास नहीं किया था। कोई वहाँ से चौड़ी सड़क आती थी 20 फुट की होती थी, जैसे वो जुलाना के अंदर आती थी या किसी अन्य विधानसभा में जाती थी तो वो 10 फुट की हो जाती थी। लेकिन माननीय मलोला की कटर के और मोदी जी के नेतृत्व में जो डबल इंजन की सरकार ने काम किया है, आज जुलाना के अंदर देख लो, पूरे जींद जिले की बात करो, 9 हाईवे है, 9 हाईवे किसी एक जिले से निकले हुए, पहले जींद में कोई भी हाईवे नहीं था। ये जींद रोहतक रोड पास शुरू हुआ लेकिन बना नहीं था, ये भी माननीय मलोला जी खट्टर जी के नेतृत्व में बना है। जुलाना का बाईपास बना है, रेलवे लाइन बनी है, अनेक रोड बने हैं, डूब क्षेत्र के अनेक पाइपलाइनें बनी हैं, स्कूलों का विकास हुआ है, ट्रांसपोर्ट तंत्र बना है, रेलवे का नेटवर्क बहुत अच्छा हुआ है। और जो फसलों का रेट था, 14 फसलों का MSP दिया जा रहा है पूरे हरियाणा के अंदर किसानों को खुशहाली के लिए, उसको दिया गया है। और किसानों को कोई ओलावृष्टि हुई है या कोई खेतों का जो नुकसान हुआ है ओलावृष्टि या प्रकृति, उससे वो किसानों को पूरा मुआवजा मिला। पहले 5-5 रुपये के चेक दिए जाते थे, अब कम से कम 10-10 हज़ार के चेक दिए जाते हैं। बिजली की आपूर्ति इतनी बढ़िया हुई, पहले 5 घंटे नहीं आती थी, अभी 24 घंटे बिजली पानी चल रहा है। इसी विकसित मुद्दों को लेकर हम जनता के अंदर जाएंगे और भारतीय जनता पार्टी को ज्यादा से ज्यादा व्यक्ति को जोड़ने की कोशिश करेंगे। पिछली बार भी हालांकि लगातार बीजेपी 2 बार यहाँ से जुलाना से जीती है, तीसरी बार का एक बड़ा चैलेंज होगा। कांग्रेसी भी कहते हैं कि अब की बार माहौल बदला है और जमीन पर भी देखे थोड़ा सा फर्क भी है, क्या आपको लगता है कि वो अंतर बढ़ेगा या फिर अब की बार कम हो पाएगा या कैसे क्या स्थिति? देखिए, ऐसा है, माहौल तो भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में है, आज तक यहाँ भारतीय जनता पार्टी का MLA नहीं बना है, लेकिन इस बार मैं 100% आपको विश्वास दिलाता हूँ, जनता विश्वास दिलाऊंगा, जनता यहाँ पर इस बार भारतीय जनता पार्टी को प्रत्याशी को चुनेगी। उससे पहले लोकसभा के चुनाव है, लोकसभा में जो पिछले बार मार्च को दुगुना करेगी। और कांग्रेस वाले तो ऐसे ही घूमते रहते हैं, बोलते थे जब भूपेंद्र हुड्डा बोल रहे थे कि मैं इतनी वोट जीतूंगा, लेकिन हमारी हार शिकस्त हुई थी, बाप बेटे दोनों हुई थी। इस बार वो सब ज़्यादा जींद की तरफ, जींद जुलाना इधर की तरफ ध्यान दे रहे हैं, उन्हें कुछ न कुछ स्वार्थ के लिए घूम रहे हैं कि पिछली बार यहाँ बहुत जल्द लंबे मुद्दों से हार हुई थी, तो इस बार उनको यहाँ कोई फायदा नहीं होगा, चाहे वो कितने घूम ले, उससे भी ज़्यादा मतों से हार हुई। कमल खिल नहीं पाया, काम भी बहुत काफ़ी हुए हैं जुलाना में, आप कह रहे हो, लेकिन क्या लगता है लोगों की सोच बदलेगी अब जुलाना में? कमल क्या लगता है आपको खिल पाएगा इस तरीके से? देखिए, पिछली बार तो लोकसभा में हमारा प्रत्याशी 13,000 वोट जीता था, उसको हम डबल मार्जिन के लेके जाएंगे। आप विधानसभा की बात करें, विधानसभा बता दूँ, भारतीय जनता पार्टी ने एक गलती से बाहर से एक व्यक्ति को ले आए थे जो भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता था, उसको पसंद नहीं कर रहा था, उसको वोट नहीं दे पाए थे और उसकी वजह से वो हारे थे, नहीं तो भारतीय जनता पार्टी का वोट बैंक पूरा भारतीय जनता पार्टी देना था। लेकिन उसने आपसे इन्हें अपने व्यक्तियों को और जो दूसरे पार्टी से आए थे उनको तवज्जो देनी चालू कर दी। भारतीय जनता पार्टी जो कोर वोटर है वो गरीब तक का अंत्योदय तक जाने का है, उसकी उसने पूछ नहीं की, इसकी वजह से उसकी हार हुई थी, भारतीय जनता पार्टी की बिल्कुल हार नहीं हुई।
तमिल मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर थे, अब नायब हैं, तो लगता है कि कौन सा लोकप्रिय मुख्यमंत्री आपकी नज़र में? देखो दोनों लोकप्रिय हैं, मनोहर लाल जी बहुत लोकप्रिय थे, नायब सैनी जी भी लोकप्रिय हैं, और मोदी जी तो की लोकप्रियता को कहना ही क्या है, सभी लोकप्रिय हैं हमारी पार्टी। लगता है लोग लोकप्रियता पर मोड़ लगाएंगे? बिल्कुल लगाएंगे, पिछली बार से भी ज़्यादा होंगे। उससे आप शुरुआत में जब मनोहर लाल जी खट्टर आए थे तब 8 सीटें थी, फिर 10 आई, अब 10 की 10 फिर जाएंगी, बस हम उसका मार्जिन बढ़ाना है। तो टारगेट सेम है, अब वोटों की संख्या बढ़ाना? बिल्कुल, हमारा टारगेट तो पिछली बार 10 का 10 था, वो रहेगा ही। हमारा तो टारगेट इस बार मार्जिन को बढ़ाना, यानी वोटों की संख्या को बढ़ाना, ज़्यादा जीत को और बड़े मार्जिन से करना।